लेकिन वो सब कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में आप बीजेपी के एजेंट बन गए, आप ही ने समझौता कराया किसानों से। अगर आग लगने से बचा लिया देश को, और कौन लोग ये कह रहे कि डेड बॉडी रखकर 5 दिन तक उसपे उनकी बॉडी रख के और समझौता ना करो, अपने परिवार की 2 दिन रख के दिखा दो, वो समझौता हुआ है अंतिम संस्कार तक, समझौता हुआ है लड़के की गिरफ्तारी पे, समझौता हुआ है जो FIR दर्ज हुई है उसमें इनका गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का 120B का मुलजिम है, उसका इस्तीफा, उसको पकड़े, उसको जेल में डाल लें, दोनों को फिर ले आएं, 5 दिन के रिमांड उनका लें, और जब बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल थे। लेकिन मतभेद तो अब किसानों और किसान नेताओं में भी हो रहे हैं। कोई नहीं है, जो चढ़ूनी साहब है नहीं, नहीं, और ये नहीं, कहा जा रहा है कि पंजाब से कई किसान आए थे, नुकसान उनका हुआ, अब आप बीजेपी की बी टीम बन गए हैं चुनावों के पहले। समझौता वहां पे 10,000 किसानों के बीच में हुआ, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और सरकार के लोग शामिल थे। समझौता जब हो जाए और जिस कंडीशन पे हो जाए उसको कर लेना चाहिए। वहां पे समझौते में जो अधिकारी आए थे उनको सरकार ने फुल फ्लैश पावर देकर भेजा। जो समझौता वहां पे हुआ अंतिम संस्कार तक समझौता था, उनको जो मुआवजा देना था वो उन्होंने दे दिया। जो गिरफ्तारी थी, लाल कारपेट बिछा के वो लड़का बुलवाया गया, गुलदस्ते चारों तरफ को लगे हुए थे। जब तक देश का मंत्री रहेगा जब तक उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता। उसका इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, 120B का मुलजिम, देश का गृह राज्य मंत्री है, उसकी गिरफ्तारी चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इनको ले लेना चाहिए उससे। जिनकी वहां पर मार मार कर पीट पीट कर हत्या कर दी गई, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ऐसा सुना गया है। जिन जो लोग वहां फिर निकले जो आंदोलनकारियों के बीच से, उन लोगों को, 4 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। वो पिक्चर तो जरूर पूरे देश ने देखी है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, सुन लो, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुन लो, वहां पे जो घटना हुई वो सबने देखी। जो बीजेपी की गाड़ी थी वो शांति से निकल रही थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्री प्लान वहां से जाते हुए लोगों के ऊपर जो गाड़ी थी 4x4 उसमें गिर डाला गया और पब्लिक को पीछे से हिट करा गया, उसके पीछे दूसरी गाड़ी, उसके पीछे तीसरी गाड़ी। जब वह गाड़ी पलट गई, रिएक्शन क्या हुआ होगा पब्लिक का, आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं होनी चाहिए किसी की हत्या। जो 8 लोग वहां पे मारे गए हैं उसके जिम्मेदारी यहाँ के मंत्री की है, उनकी सरकार की है उसकी जिम्मेदारी। हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए जिन्होंने पीट पीट कर 4 लोगों को मार डाला, जिसे आप रिएक्शन कह रहे हैं। फिर से पूछ रहे हैं, गलत चीज, आप करेक्ट जानकारी करो। 3 लोग वे थे, 5 लोग की हत्याएं कुचल के हुई। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन पर हत्या का, जो देश अगर का, वो आंदोलनकारी जो देश का कानून कहता है कि इंटेंशन हत्या करी गई है या हत्या हुई है, हालात क्या है वो देश का कानून बताएगा। देश का कानून तो कहता है कि आप किसी की पीट कर हत्या नहीं कर सकते। बिल्कुल, कानून के समझाना क्या, पीटा क्यों गया है, क्यों वहां पर हालात क्यों हुई, क्या हुई होगी, रिएक्शन हुआ है वो, तो उस रिएक्शन को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या बताऊं, और ये कहूं कि उन्होंने हत्या करी क्या। जो लोग गाड़ी से कुचल के 20-40 लोगों को लेकर आ रहा है, वो गाड़ी में पकड़ा गया, भीड़ ने क्या कर दिया होगा, उसको आप हत्या नहीं कह सकते। हत्या क्यों नहीं कह सकते, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। आप बात बात पर संविधान क्या कहता है, आप बात बात कानून क्या कहता है प्रभु, आप बात बात पर देश के संविधान की दुहाई देते हैं। तो जो अगर इसी तरह से कानून चलना है तब तो फिर वो पीटेंगे, फिर उधर से आकर कोई पीटे, ऐसे ही चलता रहेगा। हमने कहा कि जो कानून करेगा अपना काम कर लेगा, उसमें उसमें क्या जस्टिफाइड होगा कि हालात क्या हुए, क्यों हुए, उसमें आ जाएगी सारी चीजें। उसको हत्या नहीं कहेंगे, हत्या क्यों कहेंगे, ये बताओ ना कि हत्या क्यों कहेंगे। क्योंकि पीट पीट कर मारा, उसकी जान ली, उनके भी परिवार है। क्या हालात हुए होंगे वहां पे, वो तो कानून बताएगा उसमें। तो आप लिंचिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रिएक्शन है इसलिए, रिएक्शन है ये पूर्ण रूप से। जो लोग किसी की डेथ करके आ रहे वो भीड़ ने पकड़ के क्या हुआ होगा वो तो बताएगा।
302 का मुकदमा क्या होता है? 302 का मुकदमा होता है किसी की हत्या करना। हाँ, 304 जब पीट पीट कर किसी को मार रहे हैं आप जानबूझकर, तो क्या होता? जानबूझकर नहीं होता, हो किसी की कोई इंटेंशन नहीं है वहां पे। जो हत्या का मुकदमा हुआ है कि जिसकी इंटेंशन है कि मुझे इसको मारना है, सोच लो टिकैत साहब क्या बोल रहे हो, सोच आप देख लो ना क्या होगा उसमें, वो तो जांच में आ जाएगा सारी चीजें। एक बार फिर से सोच लो आप, ये रिकॉर्डेड रहेगा। ये कह रहा हूं आप दिन दहाड़े हत्या को सही ठहरा रहे हैं, रिएक्शन कह रहे हैं। ये कह रहा हूं रिएक्शन है, हत्या होती है कि किसी की सोची समझी चाल हो, उस पर 302 लगती है।